लाउंज के अंदर ही एस्केलेटर्स लगे हैं भाई। ये अपना ब्रेकफास्ट में ले आया हूँ भाई। ये है मेरी सीट भाई। ये आ गए हमारे कबाब। मैंने फ्रूट्स मंगा लिए थे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं अबू धाबी से बैंगलोर इन एतिहाद बिजनेस क्लास, एंड वो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं जायद शेख सुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ से बिजनेस क्लास का डिपार्चर, मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट, हो सकते हो कि एक्सक्लूसिव जर्नी। तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब दबा देना। ये देख लो, ये है एयरपोर्ट जो अभी नया बना हुआ है। बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो तो गेट्स भी अलग ही हैं पूरे के पूरे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम एंटर करते हैं। सो बाहर से ऐसा कुछ एयरपोर्ट है। हियर वी गो। कुछ ऐसा इंटीरियर है इस एयरपोर्ट का, अभी देखते जाओ, अभी बस शुरुआत है। और मैं बस से आया हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। थर्ड फ्लोर पे कह रहे हैं कि डिपार्चर गेट्स हैं। अगर आप एतिहाद से ट्रैवल करते हो फ्रॉम न्यू एयरपोर्ट, तो डिपार्चर गेट्स बिल्कुल अलग हैं। तो हम जा रहे हैं अभी थर्ड फ्लोर। ये आ गए हम डिपार्चर साइड। लुक एट दिस एयरपोर्ट भाई, बहुत ही कमाल का है। एंड ये लिफ्ट्स हैं। बेसिकली लिफ्ट पता कैसी है, ये यहाँ पे कोई बटन्स वगैरह नहीं दिए हैं जब प्रेस करो कि वो आएगी, ऑटोमेटिकली आ रही है, ऑटोमेटिकली नीचे जा रही है। मैं बस से आया हूँ दुबई से, तो लगभग 800 रुपए लगे हैं बस में। बाकी जो खर्चे का एक्सपीरियंस हुआ है मेरा दुबई का, दिस वॉज माई थर्ड टाइम, तो वो मैं एक्सपीरियंस आपको आराम से शेयर करूंगा। कुछ लोग हैरी भाई आपकी शॉफर सर्विस किधर है, तो शॉफर सर्विस मिलती है इतिहाद में, लेकिन मेरा जो है बिजनेस वैल्यू है, और बिजनेस वैल्यू में अबू धाबी के अंदर ही शॉफर मिलती है। अगर आपको दुबई से आना है अबू धाबी, तो बिजनेस क्लास में एक और कैटेगरी होती है, उसमें आपको लेना पड़ेगा टिकट, जो कि वो डबल ट्रिपल पड़ेगा। और हाँ, अबू धाबी में ही सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है शॉफर एतिहाद, लेकिन जो एमिरेट्स है वो दुनिया में हर जगह, लाइक मैक्सिमम हर जगह शॉफर सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी चेक इन करते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, देयर आर सो मेनी काउंटर्स। तो भाई आई हैव माय बोर्डिंग पास। ये जो हमारे गेट्स थे ना, बोर्डिंग गेट्स, वो ये थे। देखो ये लिखा है ना, एतिहाद एयरवेज फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास चेक इन। एयरपोर्ट के अंदर ही डिफरेंट चेक इन काउंटर्स हैं, उसके बाहर उन्होंने ऐसा पूरा बोर्ड बना के रखा है। ये एक्चुअली यूएस की प्रायोरिटी लेन थी, जो फ्लाइट यूएस जा रही हैं उनके लिए थी, बट गलती से मैं चला गया, तो मैम ने बोला एक्चुअली आप गलत आ गए हो, दिस इज एक्चुअली योर गेट, बट उन्होंने फिर भी मुझे दे दिया बोर्डिंग पास। अब चलते हैं अंदर। सो दीज आर दी एक्चुअल बिजनेस क्लास काउंटर्स, अगर आप यहाँ से ट्रैवल करते हो टुवर्ड्स एनीवेयर इन एतिहाद। अगर आप बाय चांस जल्दी आ जाते हो, यहाँ पे बैठने की भी जगह है। इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी इज डन। भाई क्या हुआ, गलती से मैंने इमिग्रेशन वाले एरिया में शूट कर लिया थोड़ा सा, तो उन्होंने देख लिया कि भाई मैं शूट कर रहा हूँ। उन्होंने बुलाया, बोला कि व्हाट आर यू शूटिंग, इट्स नॉट अलाउड। भाई एक बंदे ने लेजिट फोन लिया, प्रॉपर डिलीट किया क्लिप इमिग्रेशन वाला। यार मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एकदम से इमिग्रेशन आ जाएगा। आई थॉट कि चलो यार सिक्योरिटी होगी या कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी पहले। तो अबू धाबी एयरपोर्ट जो बना है ना, यहाँ पे होटल रूम से लेके मोर देन 163 शॉप्स हैं खाने पीने की। बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो खाने पीने की कहीं से कमी नहीं है। एंड ये एयरपोर्ट बहुत पहले बन जाना चाहिए था, रूफ के चक्कर में यहाँ पे काम थोड़ा रुक गया। अगर मैं थोड़ा और कंपेयर करूँ एतिहाद और एमिरेट्स में सीट की अगर बात करूँ ना पर्सनल बिजनेस क्लास की, तो वो एतिहाद की थोड़ी बेटर मानी जाती है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा प्राइवेसी है, डेस्क स्पेस आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। अगर आप टेक्निकलिटी में भी जाओगे तो भी एतिहाद की थोड़ी बेटर है। एमिनिटी किट हालांकि लोग कहते हैं कि एमिरेट्स की बेटर है, बुल्गारी प्रोडक्ट्स हैं, और बुल्गारी प्रोडक्ट्स में भी फीमेल एंड मेल के अलग अलग परफ्यूम के ऑप्शंस हैं, लेकिन एतिहाद में वो सब नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास लाउंज, ये अलग है और बिजनेस क्लास लाउंज अलग है। हम आ चुके हैं लाउंज में, तो अभी चलते हैं ऊपर। ये था ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, जहाँ से हमने एंट्री ली है। लाउंज के अंदर ही एस्केलेटर्स लगे हैं, जस्ट इमेजिन ये लाउंज कितना बड़ा होगा। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर इन द लाउंज, आप आराम से बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। ये सोफा की क्वालिटी देखो, टॉप टॉप नॉच क्वालिटी है इन सोफा की, और बहुत सारे देखो आगे तक फैले हुए हैं। यहाँ पे बैठ के ऊपर पैर रख के आराम से चिल करो, एंड फ्लाइट्स टेक ऑफ या लैंड करते हुए देखो।
एंड देयर वी हैव द गेमिंग रूम। ये मैं आ गया हूँ सेकेंड या थर्ड फ्लोर, जो भी बोलना है बोल लो। ब्रेकफास्ट आई थिंक उस साइड है आगे जाके। इतने बड़े बड़े फ्लोर्स हैं कि भाई एक एक करके देखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड ये स्नैक्स वगैरह हो गए, या फिर देखो कॉफी मशीन लगी हुई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फूड सेक्शन, देखते हैं भाई ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन है। बैठने की तो जगह आप पूछो ही नहीं गाइज। ब्रेकफास्ट है वो अभी थर्ड फ्लोर पे है टिल 11:30 के बाद। लंच सर्व होगा ग्राउंड फ्लोर पे। बैग हम फिलहाल यहीं पे रखते हैं। दीज आर आर ब्रेकफास्ट ऑप्शन। ये देखो ये केचप्स वगैरह रखी हुई हैं बहुत सारी, जैसे आपको फाइव स्टार होटल्स में मिलेंगी। लाइक सिमिलरली दिस इज द पीता ब्रेड। एंड ये रहे बहुत सारे फ्रूट्स। यहाँ पे बहुत अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो इसमें। इजिप्टियन फोल बदाम्स स्क्रैम्बल्ड एग, ठीक है, चिकन कॉन्च, बहुत डिफरेंट टाइप की सॉसेस वगैरह भी दिए हैं। स्मोक टर्की हैम, चिकन हर्ब्स एंड सॉसेजेस, जबरदस्त लग रहा है। बटन मशरूम पराठा, मतलब इंडियन कुजीन को भी यहाँ पे महत्व दिया है सही लगा मुझे। चिकन पराठा आई थिंक, फ्रेंच टोस्ट, इडली, बहुत सारे नट्स के भी ऑप्शन हैं। अपना ब्रेकफास्ट में ले आया हूँ, यह है दो सॉसेजेस, चिकन पराठे, स्क्रैम्बल्ड एग, क्रीमी स्पिनच, और दो मैंने ये लिए हैं स्वीट्स। मैंने ये टोमेटो केचप ले लिया है। सबसे पहले ट्राई करते हैं ये सॉसेजेस, बहुत हार्ड है भाई। अरे रे रे रे, पहला इंप्रेशन ही ख़राब हुआ, कच्चा है, कांट बिलीव इट। तो ट्राई करते हैं ज़रा ये पराठा, हालांकि लिखा था कि चिकन पराठा है लेकिन चिकन का कोई फील नहीं आया मुझे, और मे भी हो सकता है 11:30 बजे जब ब्रेकफास्ट बंद हो जाए इसलिए ठंडा हो गया। लेकिन ट्राई करते हैं ये क्रीमी स्पिनच, ये बढ़िया है, आई थिंक ये मैं लूँगा एक दो बार। तो ट्राई करते हैं स्क्रैम्बल्ड एग, जो मैंने सॉस डाली थी ना ये स्वीट चिली सॉस है, बहुत मस्त है। थैंक यू। तो एतिहाद एक्चुअली नेशनल कैरियर है यूएई का, बेस इज अबू धाबी। और अगर हम कंपेयर करें फूड एंड ड्रिंक्स में विद एमिरेट्स, दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन एमिरेट्स में शैंपेन ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे आपको एतिहाद से। अगर बात करें आईएफए की तो भी एमिरेट्स हल्का सा बेटर है सीट में और प्राइवेसी में, एतिहाद बेटर है। जब से नया टर्मिनल खुला है इट इज़ अट्रैक्टिंग मोर न्यू एयरलाइंस लाइक एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, जो कि बंद हो गई थी अबू धाबी से। अबू धाबी में लगभग 4 टर्मिनल हैं, 1, 2, 3 एंड टर्मिनल ए, इसमें मैं हूँ, और इसको मिड फील्ड टर्मिनल भी कहते हैं। अभी 6 महीने पहले इसका इनॉग्रल हुआ है। 45 मिलियन पैसेंजर्स को ये कैरी कर सकता है, और इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, एंड दे कैन मेक इट अप टू 85 मिलियन पैसेंजर्स। एक टाइम पे 11,000 पैसेंजर्स को ये कैरी कर सकता है, मतलब बोर्डिंग से लेके अराइवल तक। एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के पहले जब डेमो किया तो 8,000 वॉलंटियर्स लगे थे भाई इसको पूरा इसका डेमो करने में। पूरे एयरपोर्ट में बायोमेट्रिक्स हैं व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन, और ये टेक्नोलॉजी बहुत कम एयरपोर्ट में, अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत कॉमन है, कॉमन नहीं है। पासपोर्ट पर कुछ स्टैम्प ही लगा, मैं दुबई से बाहर आ गया हूँ। इस समय आ गया है इस एरिया को बाय बोलने का। ये था थर्ड फ्लोर, यहाँ पे भाई नज़ारे हैं एक नंबर। तो अब जो हमारा लंच लगेगा वो लगेगा ग्राउंड फ्लोर पे। एतिहाद से मैंने ट्रैवल किया था इकोनॉमी क्लास में लास्ट ईयर। एनीवे जो A380 है एतिहाद का वो जाता है मैक्सिमम यूरोप या लंदन। ये आ गए हम ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे भी बैठने की जगह है, एंड अपना फ़ोन भी चाहो तो चार्ज कर सकते हो। एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, तो बार एरिया ऊपर भी है थर्ड फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे भी है। तो लाइव काउंटर्स भी हैं यहाँ पे। ये आई थिंक चिकन बिरयानी है, दिस इज़ चिकन बिरयानी राइट? अरेबिक फूड। दिस इज बीफ एंड ओकरा सलूना। और भाई ये क्या है, कोरियन चिली फिश। कोरियन फूड भी है, अरेबिक फूड है, इंडियन फूड है, आपको क्या चाहिए आप बोलो। ग्रिल्ड सी, तो भाई सी फूड आपको पता है बहुत हेल्दी होता है, तो शायद मैं सी फूड ले लूँ आज। इंडियन फूड ये लोग भूले नहीं है, इनको पता है सबसे ज्यादा इंडियंस खाते हैं। देखो राजमा मसाला, राजमा चावल है बेसिकली, और ये शाही पनीर है। नॉर्मल देसी खाना खाना पसंद करो ना तो वो भी है। एंड दीज आर दी मल्टीपल ब्रेड ऑप्शन, इंडोनेशियन फूड भी है, और ये पराठे वगैरह रखे हुए हैं। चार टाइप के भाई चीज ऑप्शन है, समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या क्या खाऊँ क्या क्या छोड़ू। खाना लेता हूँ प्लेट में फिर मैं आपको बताता हूँ। दिस इज कोरियन फिश अरेबिक बिरयानी, ट्राई करते हैं पहले ये अरेबिक बिरयानी। ये अरेबिक फूड है और बहुत बढ़िया है, इसमें जो किशमिश का फ्लेवर है ना बहुत बढ़िया लग रहा है। लेट मी ट्राई दिस फिश, बेसिकली ये कोरियन चिली फिश है, मीठा फ्लेवर है। तो मैंने ये शाही पनीर भी ले लिया था, काफी स्वीट शाही पनीर है, मुझे पसंद नहीं आया। तो ये कोई कैरेमल वाली डेजर्ट है, ट्राई करते हैं ये स्ट्रॉबेरी चीज केक आई थिंक सो।
दिस इज़ फार बेटर, फार बेटर। तो हमारा गेट है D48, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। 2-3 घंटे कहाँ निकल गए समझ नहीं आया। यहाँ मैक्सिमम आपको अंग्रेज मिलेंगे, अबू धाबी से बहुत लोग ट्रांजिट लेते हैं। ये मेरा 3rd time था दुबई में, बस एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, लेकिन पता नहीं मुझे लगता है दुबई बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है गाइस। बस स्टैंड जाने के लिए मैंने जो कैब बुक की 7-8 किलोमीटर के लिए मैंने पे की 800 रुपये, और अगर डाउन टाउन जाना हो मतलब 15 किलोमीटर भी ट्रैवल करना हो तो मिनिमम आप पे करते हो 1300-1400। मेट्रो भी इतनी महंगी है, मतलब मिनिमम 120-130 रुपये। दुबई से अबू धाबी 120 किलोमीटर के लिए मैंने बस में पे किए लगभग 35 dirhams, लगभग 700-800 रुपये। वो एक कहावत है ना, इफ़ यू कैन अफोर्ड दुबई यू कैन अफोर्ड एनीथिंग। ये इंडियन रेस्टोरेंट भी है अंदर, देख लो भाई फिर से एक बार एयरपोर्ट। फाइनली हम बोर्ड कर रहे हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। दिस इज ड्रीम लाइनर। तो यहाँ पे बहुत टाइम से मेरा आने का मन था, लेकिन मेरे को लगा यार स्पेशली क्या जाऊँ, बट अभी मौका मिल गया। हाई एरो ब्रिज देखना कैसा सा है, बिल्कुल अजीब सा। And this is our business class seat, 8K आगे होगा, I think so. मैं बैठ चुका हूँ अपने प्राइवेट सीट में। 3 विंडो सीट्स मिली हैं, देखो 1, 2, 3। एंड ये पिलो की क्वालिटी, काश कि मैं आपको वीडियो के थ्रू बता पाता, बट इट इज़ टॉप नॉच। और ये जो आप कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो ना, इतिहाद का डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रास्ट है, जो इनकी बसेस चलती है ना कोच सर्विस दुबई से अबू धाबी के लिए, तो वो भी बसेस भी इस कलर की चलती हैं। इनके सब चीज़ों में आपको यही कलर मिलेगा। एंड इनकी जो ब्लैंकेट है ये काफ़ी फेमस है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो पहले वाले एयरक्राफ्ट से इतिहाद के, वो पहले वाली ब्लैंकेट्स वो बेटर थी। सो दीज आर दी इतिहाद ब्लैंकेट। क्वालिटी आप खुद ही देख लो, अब तो लाइट भी है, आप अच्छे से देख सकते हो हाउ द क्वालिटी इज। थैंक यू। लेग स्पेस बहुत बढ़िया है, बहुत उमदा है। ये जो चीज़ है ना ये बहुत अड़ती है, मतलब जैसे अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हो ना, ज़बरदस्ती ये चीज़ों को थोड़ा कंजस्टेड बनाता है, काफ़ी लोगों की कंप्लेन रहती है। ये आ गई हमारी शैंपेन। यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स लोगो बना हुआ है, एंड ये मेन्यू काफ़ी बड़ा लग रहा है मेरे को। ये देखो, वाटर, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। और ये है वाइन ऑप्शंस, शैंपेन का एक ही ऑप्शन है, वाइट वाइन, रेड वाइन, डेजर्ट। हाँ, 1, 2, 3, मतलब 5-6 टाइप की वाइन्स हैं गाइस। वो एतिहाद में जो IFE है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है, कतर एयरवेज में यहाँ दिया हुआ था इफ़ यू रिमेम्बर, हैंगर वगैरह दिया हुआ है। अगर आप दुबई से अबू धाबी आना चाहते हो, एतिहाद की फ़्लाइट बुक की है, तो शॉफर ले सकते हो अगर आपका बिजनेस क्लास है तो, बट आप चाहो तो कोच सर्विस भी ले सकते हो। एतिहाद के बस स्टेशन बने हैं दुबई में, और अगर आप 24 घंटे पहले बुकिंग करते हो कोच सर्विस की, तो आप फ्री में दुबई से अबू धाबी बस में आ सकते हो। एतिहाद की खुद की बस है, फ्री में ला के छोड़ देगी। दुबई है भाई साहब, 800-900 रुपये आप बचा लोगे अगर आप फ्री में एतिहाद बस में आते हो दुबई से अबू धाबी। मेरी 5 बजे की बस थी, लेकिन मैंने मिस कर दी, नींद नहीं खुली मेरी, इसलिए मुझे बस में आना पड़ा पैसे दे के। ये जो चीज़ है ये बंद नहीं होती, आधा ही प्राइवेट है, ये पूरा प्राइवेट नहीं है। कतर एयरवेज में पूरा बंद हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये हैंड रेस्ट है, बहुत बड़ा सा दिया हुआ है, मैगजीन होल्डर है, और अगर आपको फोन चार्ज करना है तो आप यहाँ पे फोन चार्ज कर सकते हो नीचे। उसके अलावा सीट जो है इट्स वेरी गुड, क्वाइट कम्फर्टेबल, इसको हम फुल रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरी सीट रिक्लाइन करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। तो बेस्ट पार्ट, इसमें आप सीट एडजस्ट कर सकते हो। बहुत बार आपने देखा होगा जो सीट एडजस्टमेंट होता है वो आगे पीछे होता है, राइट, लेकिन इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मैंने ये दबाया ना, ये देखो प्लस का ऑप्शन, तो मेरी सीट ऊपर हो रही है, मतलब ऐसे जा रही है, नीचे ऐसे नीचे करूँगा तो नीचे आ जाएगी, तो ऊपर करने में इट्स मोर कम्फर्टेबल। ये है रीडिंग लाइट्स, ये है फ्लैट बेड। यहाँ पे ना दे हैव गिवन टच स्क्रीन, टच से भी आप अपनी सीट जो है आगे पीछे कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, अगर मुझे ये इस चीज़ को ऊपर करना है, दिस इज़ वेरी गुड। तो ये अच्छी खासी स्पेस है आपके पास, अब चाहो तो यहाँ से बाहर निकल के अंदर आ सकते हो। स्पेशियस तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है कहीं से भी। एतिहाद वॉज फाउंडेड इन 2003, उसके बाद दे लिटरली ग्रू एक्सपोनेंशियली, बट बहुत सारी अदर एयरलाइंस जो पहले छोड़ गई थी अबू धाबी, दे कमिंग बैक, लाइक एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो इसमें से। लोअर पार्ट ऑफ द सीट ऑफकोर्स यू कैन कंट्रोल यहाँ से, और मसाज भी ले सकते हो इसके थ्रू। तो हाँ, ये देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉर द विंडो शीट, अगर आपको विंडो शीट नीचे करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये डार्क हो गई ना अपने आप डार्क हो गई। ये बोइंग का फीचर है, आपने एयर इंडिया में भी देखा होगा ऐसे ही होता है, लेकिन
इसमें क्या होता है ना, विंडो शीट नीचे नहीं आती है ऐसे करके, वो अपने आप ही डार्क हो जाता है। तो देखो पूरे कंट्रोल्स यहाँ से है, अभी मुझे ऊपर करना है तो मैं यहाँ से ऊपर कर सकता हूँ। तो अभी आप सोच रहे हो हैरी भाई ट्रे टेबल किधर है, भाई कहीं दिख रही, यहाँ से निकलेगी ट्रे टेबल। This is the grand tray table. इतनी कमाल की लग रही है, ये जो गोल्ड ब्लैक और डार्क कलर्स का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब बहुत रॉयल बहुत रिच लग रहा है भाई, नो डाउट। खाना ऑर्डर कर दिया है बेसिकली, पहले ही आके पूछ के ले गए। This is the washroom. छोटा ही है बिजनेस क्लास के हिसाब से, मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं दिया हुआ, टिश्यू पेपर के ऑप्शन है, हैंगर्स है, बट बिजनेस क्लास के हिसाब से नॉट अप टू द मार्क। Gassing up the tank, cranking up the radio. Your seatbelt must be fastened, packaging, and please the ground board include. In preparation for departure, please turn your other larger electronic device. نهاية في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط. يجب الآن إغلاق جميع الأجهزة الهواتف النقالة أو اختيار وضعية الإلكتروني للتلف أو ارتفاع درجة الحرارة. थे टेक ऑफ करने के बाद ऑल्सो ये लोग जूतों की थोड़ी स्पेस रख सकते थे, बिकॉज अगर आपने जूते यहाँ पे छोड़ दिए ना तो ये सीट पूरी रिक्लाइन होगी नहीं। तो हाँ कुछ ग्लिचेस हैं सीट में एक्चुअली, शूज आप रख नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे ग्रिल्स वगैरह लगी हैं। ये देखो ब्लैंकेट, नो डाउट यार मजा आ गई भाई, बहुत बढ़िया है। फ्लैट बेड करके कुछ ऐसा दिखता है, आपकी हाइट कितनी भी हो चलेगा, ये बेडशीट बहुत कंफर्टेबल है, अंदर से देख लो कुछ ऐसी दिखती है, फीलिंग बहुत कमाल की है। अरमानी के साथ कोई कोलैबोरेशन है एतिहाद का, थैंक यू। कतर एयरवेज की फ्लाइट में भी नट्स आए थे और बहुत हाई क्वालिटी के नट्स होते हैं। टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट सिस्टम, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। बहुत सारे मूवी एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, मसाज पूरी प्रॉपर चल रही है, कंफर्ट के मामले में इट इज़ रियली गुड। ये प्रेस करोगे ना, ये देखो ये बाहर आ गया। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि ये क्या है, दीज आर दी रीडिंग लैम्प्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको खाना खाना है तो आपको वापस उठना पड़ेगा, आप चाहो तो इसी पोजीशन में ट्रे टेबल खोल सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो अपनी जर्नी। तो जैसे कि मैं अभी लेटा हुआ हूँ ना, ट्रे टेबल निकालना है, बैठे बैठे मैं खाना भी खा सकता हूँ। कुछ सीट्स रेयर सीट्स हैं, कुछ है फ्रंट, तो ये आपको कतर एयरवेज और एतिहाद में ही मिलेगा। थैंक यू। ये आ गए हमारे कबाब, ये एक वेज डिश है, इसके बाद जो है हमारा मेन कोर्स आएगा। लुक एट द होल एम्बियंस, इट लुक्स एब्सोल्यूट लग्जरी, द अटमोस्ट कंफर्ट। और भाई क्योंकि मैंने इसको ब्लू कर दिया है ना तो और भी ज़्यादा मस्त लग रहा है। ये स्पार्कलिंग वाटर मंगवाया था मैंने साथ में, ये मुझे तंदूरी रोटी लग रही है, बटर। ये कबाब्स हैं, क्या लग रहे हैं यार, मज़ा आ गई देख के। एंड ये अनियंस और ये शैम्पेन, पहले ट्राई करते हैं ये कबाब क्योंकि बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्रेश लग रहे हैं। ये कोई क्रीम दी है, ट्राई करते हैं भाई कबाब। लखनऊ के गलौटी कबाब खाए हैं अगर आप लोगों ने तो आप लोग रिलेट कर पाओगे, इट्स वेरी गुड। लगेगा ही नहीं कहीं बाहर की जगह से खा रहे हो, बट एनीवे मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि खाना जो है वो बहुत बढ़िया ही मिलता है और वो टच मिल जाता है इंडिया वाला, फ्लेवर्स के साथ है बेसिकली, बहुत इट्स फिल्ड विद फ्लेवर्स। आई वुड गिव अराउंड 9.5/10 इजीली। तो ये ब्रेड भी बहुत कमाल की लग रही है, ट्राई करते हैं ये ब्रेड, अलग ही फीलिंग है, बहुत फ्रेश है। ये जो तंदूरी रोटी दी है ना, इसको आई थिंक हमको कबाब के साथ खाना है, चीज़ है बेसिकली, खट्टा टेस्ट है, सैलेड हो गया, ब्रेड हो गई।
कलकत्ता रेलवेज में ना ये ट्रे वगैरह वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि ट्रे में क्या होता है ना, चीज़ें कंजस्टेड हो जाती हैं। ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ना, इट इज़ ऑल अबाउट इन्हांसिंग द लग्जरी एंड द कम्फर्ट। इनकी ग्लासेस में लिखा हुआ है अरमानी कासा। अभी क्रू आई एंड उन्होंने पूछा कुछ लोगे आप एक्स्ट्रा बेवरेज, सॉफ्ट बेवरेज, यू कैन ऑर्डर एन नंबर ऑफ टाइम्स, इट्स रियली गुड। ये हमारा मेन कोर्स आ चुका है। दो पीसेस चिकन के दिख रहे हैं, राइस दिख रहा है मुझे, सैलेड टाइप का है, दाल दिख रही है, नॉट श्योर भाई, थैंक यू, आई थिंक स्पार्कलिंग वाटर है। साउथ इंडियन दाल होती है ना, आंध्रा की अपने मील का ही होगी, वैसी लग रही है, बढ़िया टेस्ट है, एकदम साउथ इंडियन जैसा। साथ में चावल दिए हैं, साथ में ये चिकन है, साथ में छोले दिए हैं, छोले छोटे वाले। तो आई थिंक दाल को आई थिंक चावल के साथ मिक्स करके, छोलों के साथ मिक्स करके, और ये चिकन के चंक्स, ये कॉम्बिनेशन है। पहले ट्राई करते हैं चिकन के चंक्स। बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल कबाब चिकन है। आई थिंक चिकन को राइस के साथ मिक्स करके और ये सैलड के साथ मिक्स करके खाना है। ट्राई करते हैं चावल, ये छोले और दाल। मज़ा आ गई। कोई भी मील आती है ना, अगर आप उसको खाना सीख गए एग्जैक्टली, मतलब किस चीज़ के साथ क्या एग्जैक्टली खाना है, तो आपको रियल टेस्ट आएगा। अब समझ में आया इसका टेस्ट कितना ज़ोरदार है। ख़त्म करते हैं इस मील को। पूरे ब्लैकआउट हो गए, मैंने पूरा मैक्सिमम कर दिया विंडो शीट, और ये देखो आपको लगेगा जैसे भाई रात हो गई है, बाहर अभी 3:30 बज रहा है एंड बहुत ज़्यादा धूप है। और यहाँ से ना टेबल लाइट आप बढ़ा सकते हो, मैंने पूरी बढ़ा दी है, तभी आपको पूरी लाइट यहाँ पे दिख रही होगी। मूड लाइट्स हैं, रीडिंग लैम्प्स हैं, ये और ये आप यहाँ से कंट्रोल करते हो। बहुत हाई क्वालिटी का टच स्क्रीन है, और मसाज जो है वो भी आप ले सकते हो। ये देखो मसाज को मैं चालू कर देता हूँ। को लेट के भी खाना है ना, आप आराम से खा सकते हो। देखो ये टेबल और जो बेड का गैप है बहुत बढ़िया है, आराम से चौकड़ी मार के खा सकते हो। तो मैंने डेजर्ट में ना ज़्यादा मीठा ईठा नहीं मंगवाया, सिर्फ मैंने फ्रूट्स मंगा लिए थे, और साथ में मैंने एक्सप्रेसो कॉफ़ी मंगाई है, डबल शॉट एक्सप्रेसो। देखो ग्लास वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं, साथ में उन्होंने शुगर फ्री दी है मुझे, एंड दिस इज़ अ चॉकलेट। भाई देख रहे हो, मतलब ये पूरा एक तो ब्लैकआउट हो गया, आपको लगेगा रात की कोई फ्लाइट है। इससे भी बेटर था इतिहाद आज से 10 साल पहले, ऐसा लोग कहते हैं। तो देखते हैं भाई, आगे कभी ट्राई करूंगा कि मैं रेसिडेंस में भी ट्रैवल कर पाऊँ, A380 रेसिडेंस व्लॉग में। अगर यहाँ तक भी आपने व्लॉग देखा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना अपने भाई को, वीडियो को शेयर करना, ताकि मैं आपको ऐसे ही इंटरटेन कर पाऊँ। तो ये कटलरी देखो कितनी कमाल की लग रही है, इस पे इतिहाद लिखा हुआ है। सिर्फ एक्सप्रेसो शॉट था, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता, तो वो मेरे लिए ना एक ये मिल्क भी ले आई है, मैंने शुगर फ्री तो मिला दिया है इसमें, ये मिल्क भी मिला दिया। एंड मिलाने के लिए ये स्पून कमाल लग रही है। अब आप बोलोगे हैरी भाई ये देखो स्पार्कलिंग वाटर भी पी रहे हो, कॉफ़ी भी पी रहे हो। हाँ आप तो जो आना है आने दो गाइस, जो दिखाना दिखाई देंगे पहले, बस इसके बाद मैं सोने ही वाला हूँ। तो अगर मैं आपको दूर से दिखाऊँ ना, दिस इज़ आर फुल फ्लैट बिजनेस क्लास सीट। जब ये पूरी फ्लैट हो जाती है तो ऐसी दिखती है। थोड़ी देर सोते हैं भाई, ये बहुत बढ़िया सोया। कभी अगर आप 8-9 घंटा ट्रैवल करो इसमें, इतनी प्यारी नींद आती है ना, जिसको मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता वर्ड्स में। मजा आ गई भाई। 15 मिनट मुझे बिल्कुल याद नहीं मैं कहाँ गया, तो मैंने ये जूस मंगवाया है, एक जूस पीते हैं। फाइनल फोन भी चार्ज कर लिया है मैंने। बट ओवरऑल अ ग्रेट प्रोडक्ट गाइस, मतलब कोई भी इसमें मुझे कंप्लेन है नहीं। लॉन्ग हॉल फ्लाई कर रहे हो US या कहीं वेस्ट की कंट्री से, एतिहाद कैन बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस विदाउट अ डाउट। वी आर इन बैंगलोर, व्हाट एन एक्सपीरियंस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इट वुड बी दैट गुड। अगर मैं सीट की बात करूँ ना, इट इज़ लिटरली बाय फार द बेस्ट। सर्विसेज अच्छी थी, ऑफकोर्स अगर सर्विसेज की बात करूँ तो मैं कतर या फिर एमिरेट से कंपेयर कर सकता हूँ, पर जो प्रोडक्ट था भाई, जो सीट थी, व्हाट एन एक्सपीरियंस, सच में मतलब मजा आ गई। आवर लगेज इज हियर फाइनली, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, मजा आ गई यार, मतलब एज अ प्रोडक्ट आई लव इट। सर्विस ऑफकोर्स और इम्प्रूव हो सकती है, बट व्हाट अ प्रोडक्ट, व्हाट एन एक्सपीरियंस। लाइक सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। 80% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई को, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, लिटरली सपोर्ट करे बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।